ऐसा कौन सा एक शर्त है प्रभु भोज लेने के लिए? बहुत सारे लोग अपनी अपनी कलीसियाओं में अलग अलग प्रकार के शर्तों को रखते हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि यह एक ही शर्त है प्रभु भोज में भाग लेने के लिए, और वह शर्त यह है कि वह व्यक्ति, उसका उद्धार होना चाहिए, वह व्यक्ति अपने मन से विश्वास करना चाहिए और अपने जबान से अंगीकार करना चाहिए कि यीशु ही प्रभु है और यीशु के अलावा दूसरा कोई भी प्रभु नहीं है। यीशु मसीह 2000 साल पहले मेरे लिए क्रूस पर मरा, वो गाड़ा गया, उसके लहू के द्वारा उसने मुझे शुद्ध किया है और वो जी उठा और वो स्वर्ग में है और मुझे दोबारा लेने आने वाला है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे मन से, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप प्रभु भोज में भाग ले सकते हैं। जो लोगों का सल्वेशन हुआ है, जो लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वे लोग प्रभु भोज में भाग ले सकते हैं। यही एक शर्त है प्रभु भोज में भाग लेने के लिए। अगर आप अभी भी यीशु मसीह पर कॉन्फिडेंस नहीं रखते हो, या आप अभी भी कलीसियाएं केवल आ रहे हो, आप अभी भी अगर आप कुछ चीजों को जानना चाहते हो, परखना चाहते हो, तो आप जरूर आइए, जरूर सहभागी हो, लेकिन प्रभु भोज में आप भाग ना ले। अगर आपने यीशु को अपने पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे होश आवाजों में, आपने अगर यीशु को अपने जीवन का उद्धार करता परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं किया है, तो आप प्रभु भोज में भाग ना लें।